बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है एक्स इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 2x-1 इंटू एक्स प्लस 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 4। 0 इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x माइनस एक्स प्लस 7x माइनस 4। और लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स थी इनको हमने ट्रांसपोज कर दिया, राइट साइड पे ले आए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 7x प्लस का और ये माइनस कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर बना लें, ये वाले फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो आइदर x माइनस टू इक्वल्स टू 0 और x प्लस टू इक्वल्स टू 0। ये इक्वल हो तो x की वैल्यू 2 और ये हो तो x की वैल्यू जो है वो माइनस 2, लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट बन गया 2 और माइनस 2, माइनस 2 और 2। अब हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। फ्रैक्शन में है एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 5/2। और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 और 0। सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखें कि अगर x की वैल्यू माइनस 1 हो जाए और इस यहाँ पे मैं माइनस 1 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और 0 पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है, लिहाजा x की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सो x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कट गया, ये x रह गया, ये x न्यूमिरेटर x से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर प्लस x x से कट गया, x प्लस 1 रह गया, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके x प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 5/2। स्क्वेयर ओपन करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स
इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 5x² प्लस 5x इक्वल्स टू, ये सारी सारी टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, 5x² प्लस 5x माइनस 4x² माइनस 4x माइनस 2 जीरो इक्वल्स टू 5x² माइनस x² 5x माइनस 4x प्लस x माइनस 2। हम इसको रेज करते हैं और इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बनी है हमारे पास x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2x² आंसर आता है, माइनस 2x², और अगर हम ऐड करें सेंट्रल टर्म x, तो ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x² आंसर आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो प्लस x जो है वो आंसर आ जाए। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर कॉमन हो गया। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 2 0 के इक्वल हो तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, और अगर एक्स माइनस 1 0 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू 1। लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट वो बन गया माइनस 2 और 1।